मायूस मत हो, आरती से अर्पिता बनने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, पर तुमने शुरुआत बहुत अच्छी की। जब तुम यश जी और बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही थी ना बाहर, तब मम्मी जी बहुत खुश थी। दुआ करती हूँ कि पलक और पायल बहुत जल्द तुम में अपनी माँ को ढूंढ ले और तुम्हारी खुशियाँ इसी तरह बरकरार रहे। मैं सोच रही हूँ कि आज केक बना लूँ। आज सुबह मैगजीन पढ़ते पढ़ते ना मैंने बहुत अलग टाइप की रेसिपी पढ़ी केक बनाने की। अरे वाह, इसी बहाने घर में पार्टी करते हैं। भाभी इस महीने किसी का बर्थडे है क्या? हाँ है ना, पलक का बर्थडे है। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाभी हम पलक का बर्थडे ना ग्रैंड तरीके से प्लान करेंगे। हम पलक का बर्थडे नहीं मना सकते। क्यों नहीं मना सकते हम पलक का बर्थडे? अब पलक का बर्थडे क्यों नहीं मना सकते, ये सवाल तुम मुझसे मत करो। विधि बहू। जी मम्मी जी। फिर एक बार कह रही हूँ कि पलक का बर्थडे मनाने के बारे में सोचना भी मत। पायल आपका बर्थडे कब होता है? मुझे नींद आ रही है। पलक तुम्हारा बर्थडे कब होता है? सब बच्चे अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते, मैं नहीं करती। अब जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपको कुछ कहना है? यशी वो मैं सोच रही थी कि इस साल ना बहुत धूमधाम से पलक का बर्थडे मनाए। I'm sorry आरती जी, आप पलक का बर्थडे नहीं मना सकते। क्यों नहीं मना सकते? इस बारे में आप कुछ ना पूछें तो ये बेहतर होगा। यश भैया से पूछ के आपने ठीक नहीं किया भाभी। आप ही मुझे बताइए ना, पलक का बर्थडे क्यों नहीं मनाया जाता? आपको आपकी गुंडी भाभी की कसम, अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं मर जाऊंगी। उस भयानक रात को अब तक कोई भुला नहीं पाया है। 4 साल पहले उसी दिन अर्पिता भाभी बहुत खुश थी। प्रतीक भैया ये सब आधे घंटे में डेकोरेशन हो जाना चाहिए, मैं जाकर फटाफट केक लेकर आती हूँ। भाभी बाहर मौसम देखा आपने? केक मैं ले आऊंगा, आप रहने दीजिए। प्रतीक भैया आज मेरी बेटी का बर्थडे है और कोई भी आंधी तूफान मुझे नहीं रोक सकता। मम्मा जल्दी आना। तुम्हें चैन नहीं मिलता ना मेरे बिना? क्या करती हो अर्पिता? छोटी ने बताया कि तुम केक लेने गई हो। मैंने केक ले लिया है, बस घर ही आ रही हूँ। ओहो ये क्या हो गया? क्या हुआ अर्पिता, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं यशु, शायद वाइपर काम नहीं कर रहा। वाइपर काम नहीं कर रहा? इतनी बारिश में गाड़ी से बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा और तुम कह रही हो कि वाइपर काम नहीं कर रहा? तुम हो कहाँ? मैं वहीं पे आता। जरूरत नहीं है यशु, मैं आ जाऊंगी। अर्पिता जिद मत करो। अब ये अभी शायद जहांगीर वाला सिग्नल क्रॉस किया है। ठीक है अर्पिता, मैं पास में ही। बस यही कारण है भाभी जो हम पलक का बर्थडे नहीं मनाते। ये चिट्ठियां हैं जो पलक ने अपनी माँ को लिखी थी, मेरा मतलब अपने पापा से लिखवाई थी। अंश भी ऐसे ही करता था, जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती थी अपने पापा को चिट्ठी लिख देता था। भाभी आपकी और यश भैया की कहानी एकदम एक जैसी, और इसीलिए शायद आप दोनों का मिलना मेरे हाथों लिखा था। पलक के जन्मदिन से जुड़ा ये दर्द, ये डर हमें उसके दिल से हटाना होगा प्रतीक भैया। उसे इस गिल से आजाद करना होगा कि उसके जन्मदिन के दिन ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। हम पलक का बचपन छीनकर बहुत बुरा कर रहे हैं। हम पलक का जन्मदिन मनाएंगे, बहुत जोर शोर से मनाएंगे, और ये मेरा पहला कदम होगा उस मकसद की ओर, जिस मकसद से यश जी मुझे इस घर में लाए हैं।